मेरा भारत एक ऐसा देश, एक ऐसी कंट्री है कि यहाँ दया और प्रेम और सहानुभूति कूट कूट कर भरी थी हर इंसान में। लेकिन आज ये वही देश था, ये वही जगह थी जहाँ पे हमने बहुत कहानियाँ और जो सच थी वो बातें सुनी हैं कि ये कोई संत जी अक्सर पढ़ी भी होगी कि वो नहर में नहा रहे थे, कोई नदी में स्नान कर रहे थे, तो एक बिच्छू आता है और वो उसे अपने हाथ पे उठा के वो संत उसे बचाने की कोशिश करते हैं। वो जैसे बहता हुआ आता है वो अपने हाथ पे रखते हैं, बिच्छू डंक मारता है और वो फिर से बीच में छूट जाता है। फिर से वो ऋषि, वो संत उसको अपने हाथ पे रखते हैं, वो फिर बिच्छू डंक मारता है और फिर गिर जाता है। आखिरकार वो संत उसे बाहर निकाल ही देते हैं 3-4 डंक खाने के बाद। कोई सज्जन खड़े थे, वो पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया जबकि आपको पता है कि बिच्छू आपको काट रहा है, फिर भी आपने उसको बचाया। वो संत बोले कि मेरा जो हमारा स्वभाव है संतों का, इंसान का, वो बचाना है, हमारा कर्म है बचाना, और जो बिच्छू है उसका काम है डंक मारना। खैर, आपको ये छोटी सी एक बात इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बातें, कुछ दिनों से कुछ वीडियोस मैं देख रहा हूँ कि कोई कुत्ता किसी को ऐसे, वो डिलीवरी हुई थी शायद, उसने शायद डर के, क्योंकि डर भी उनमें समझ तो होती नहीं है जानवर में, उसने काट लिया किसी को। तो कहते कि 15-16 कुछ बंदे आए, उन्होंने उसको लाठियों से मार दिया। अभी तो उन बच्चों की, उसकी जो बच्चे थे उसकी आंखें भी नहीं खुली ही, कुछ ही दिनों की बात है, जस्ट 1-2 दिन की बात। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं कि 2-3 दिन पहले हिमाचल में एक मेला लगता है, वहाँ भी कोई ऐसा हादसा हुआ, क्योंकि जो कुत्ता है वो डरता है, जो जानवर है वो इंसान से डरता है, उसको भी ऐसे ही मार दिया। शायद हम भूल गए हैं, हम जिस धरती पे रहते हैं वो श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, श्री कृष्ण जी, ये उन पीर फकीरों की, पैगंबरों की धरती है, संत महात्माओं की, जहाँ सिर्फ एक ही शिक्षा दी गई कि इंसान का धर्म कर्म दूसरे की मदद करना, उसको बचाना है। देखो, जो जिसका स्वभाव है, एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसमें सारी समझ है, बचाना, खाना, सोचना, हंसना, और किसी इंसान में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, किसी भी ऐसी चीज़ में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है। देखो, सांप का स्वभाव है डसना, तो वो डसेगा डरकर या जैसे भी, बिच्छू का है डंक मारना और कुत्ते का है काटना या भौंकना, उनमें समझ नहीं है। लेकिन हम इंसान तो समझदार हैं, हम क्यों अपनी संस्कृति, अपने कर्म, अपना कर्तव्य भूल गए। भगवान ने एक इंसान बनाया था कि दूसरों की मदद कर सके, लेकिन आज पता नहीं कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जो हमने खा ली है, शायद हमें दया रही नहीं, ख़त्म हो गया टोटली। देखिए, इस वीडियो, इस बात को सुनाने का एक यही मतलब है कि प्लीज़ आपके घर में जो बच्चे हैं या हमारे घर में जो बच्चे हैं, उनको एक ही शिक्षा दी जाए, उनके हाथों से मोबाइल लेकर उनको पुराण, गीता, ग्रंथ, भेद, ये सब पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, इनकी शिक्षा दी जाए। वो जो स्टार्ट होगा हमसे, तभी मेरे भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो बरकरार रहेगी और प्यार दया वापस लौट कर आएंगे।